कहते हैं कि नए दौर की मोहब्बत करता है मेरा यार, नए दौर की मोहब्बत करता है मेरा यार, जब भी मिलता है मेरे कपड़े उतारने का करता है इंतजार। आज का जो टॉपिक है वो है कि जिस्म देखा और टूट पड़े। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो वीडियोस के टॉपिक होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। मैं मोटिवेट करता हूं लोगों को, मगर अलग चीजों में मोटिवेट करता हूं जिससे युवा भटक रहा है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरी वीडियोस में आपको फुवड़ता कहीं नजर नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से शब्द कठोर हो जाते हैं कई बार, जैसे आप लोग गालियां बोलते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, मगर फुवड़ता कहीं नजर नहीं आएगी। अब आज ही का टॉपिक देख लीजिए, जिस्म देखा और टूट गए। भैया समझो जरा इस चीज को कि जो आज कल का रिलेशन होता है, आप समझना जरा, क्या आप उसे प्यार का नाम दे सकते हैं? नहीं। पूरी वीडियो का सार आपको एक मिनट में समझाता हूं एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए आप चाय पी रहे हो, आपके सामने चाय का कप रखा हुआ है, तो आप जो है चाय का कप थोड़ा सा पास रखते हैं अपने, क्योंकि आपको समय समय पर कप उठाकर उसकी चुस्कियां लेनी होती हैं। और चाय आपको अच्छी भी लगती है क्योंकि वो गर्म होती है, उसमें अदरक मिला होता है, उसमें दूध मिला होता है, आपको वो डिलीशियस लगती है चाय। और एक दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके सामने चाय रख के चला गया और आप काम करते करते इतना बिजी हो गए, चाय रखी रखी वहीं ठंडी हो गई। अब मुझे बताइए, क्या आप उस चाय को पियेंगे? चाहे वो कितनी डिलीशियस क्यों ना हो, फिर भी नहीं पियेंगे। तो मेरे दोस्त, आजकल का जो हमारा रिलेशन होता है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाली लड़की कितनी हॉट है। कितनी हॉट है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कूल हो जाती है, जब वो कोल्ड हो जाती है, जब हमारा मन भर जाता है, फिर हम कहीं और चले जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम रिलेशन में आते हैं, मिनट मिनट पे परेशान करते हैं लड़की को। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरी बाबू क्या कर रही है, मेरी बाबू ये क्यों कर रही है, क्योंकि अभी गर्म है चाय। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम लोग ठंडे हो जाते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, और हम उसे मुंह भी लगाना पसंद नहीं करते। इसके कारण ब्रेकअप होता है, क्योंकि आपने तो इस्तेमाल कर लिया ना, जो आपको चाहिए था आपने तो वो इस्तेमाल कर लिया, उसका जिस्म देखा और उसे फुसलाया, उससे प्यारी प्यारी बातें करी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, यू आर माई फोर एवर, आई विल बी टेक केयर ऑफ योर, पता नहीं क्या क्या, और उस बेचारी को फंसाया और फिर कर दिया। तो ये बहुत छोटी चीज है, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि अरे यार वो लड़की चली गई यार, भाई सच्चा प्यार करता था मैं उससे यार। भाई सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं है। युवाओं का जो रिलेशन होता है उसके लिए एक शब्द है, वो है हवस, वो है ठरक। जो आपका प्यार होता है, प्यार तो शब्द है ही नहीं भाई, प्यार हम लोग कर ही नहीं सकते। प्यार का शब्द होता है आत्मा से, और हम तो आत्मा यार क्या छोड़ो यार, हम तो जिस्म का प्यार करते हैं। कि जैसे उसके बोब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे के हिप्स टाइट हैं, तो बस हमारा भी खड़ा हो जाता है। सही बात है ना ये? तो भाई छोड़िए इन सबको, आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि ये आपको थोड़े ही समय का प्लेजर देती हैं ये सारी चीजें, और आपकी जिंदगी बेकार कर देती हैं। प्यार करना है तो यार वो दूसरी लेवल की चीज होती है, उसमें सेक्स नहीं आता यार, उसमें जिस्म नहीं आता। और अगर आप उसको प्यार बोल रहे हैं जो आप बंद कमरे में करते हैं, तो वो हवस होती है। दो बड़ी शानदार लाइनें गुलजार साहब की, उन्होंने कहा है कि प्यार है तो कबूल कर खुलेआम, जो बंद कमरों में होता है उसे तो हवस कहा जाता है। बड़ी शानदार लाइनें हैं, दो ही लाइनों में पूरी वीडियो का सार है, और इस वीडियो में इतना ही था। दोस्त ध्यान रखें अपना, लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।